नासिर आपके साथ एक धमाकेदार रमज़ान व्लॉग लेके। आज है सहरी डे 7 और मुझे बताएं आप लोगों के रोज़े कैसे चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो सारे अच्छे चल रहे हैं, मैं सारे रख रही हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश हो जाए मज़ा आ जाए, ठंडा ठंडा मौसम हो जाए। ये जी अरहम देख रहा है रोदरा। अरहम ये रोदरा पसंद है आपको? रोदरा ये है जी रोदरा। पापा अंदर बैठे हुए हैं, थोड़ी सी मस्ती होनी चाहिए ना भैया, रोजा है तो थोड़ा सा उनको तंग करते हैं। आइए मेरे साथ। पापा पापा जी मुझे पहले एक आप कैमरा पकड़े। पापा मुझे एक बात बताएं, आपने मुझे बताया हुआ है कि शादी से पहले मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था, तो आपने व्यूवर्स को भी बताया आप कितना अच्छा खेलते थे? मैं बेटा बड़ा अच्छा खेलता था। जब मैं खेलता था तो जब मैं यानी अपनी बैटिंग पे आता था ना, तो अक्सर लोग सिर्फ इसलिए आते थे कि नासिर के छक्के देखने हैं, इतने इतने लंबे छक्के में मारता आता था। अच्छा। हाँ, और जब यानी कि मैं अभी विकेट पे होता था ना, तो सबको ये होती था कि मतलब स्कोर जितना भी है ना वो इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो मैं बड़ा फेमस था और बड़े इतने इतने लंबे छक्के मारे हुए हैं कि लोग हैरान हो जाते थे कि इतने इतने लंबे छक्के होते थे वो। आप अपने टाइम के शाहिद अफरीदी? हाँ यही समझ लो कि मैं ज़्यादा मतलब ओवर्स नहीं, मैं खेलता था 3 से 4 ओवर्स खेली, इससे ज़्यादा मतलब नहीं होता था। लेकिन 3-4 ओवर में मैं इतना स्कोर कर देता था कि जैसे को मैंने 20-25 ओवर खेल ली है। अच्छा, मुझे लगता है आप अपने टाइम में बाबर आजम या शाहिद अफरीदी समझ लो, शाहिद अफरीदी की तरह मतलब छक्के, बड़े लंबे लंबे छक्के मारता था मैं। लंबे लंबे छक्के लंबे, उसने भी लंबी छोड़ तो नहीं रहे? नहीं बेटा, मैं आप तो मैं ये बाहर खेल रहे होते हैं ना लड़के, तो इनके पास जा खेल के दिखाऊं? हाँ। वैसे मैं बड़ी देर होगी खेला नहीं हूँ, लेकिन मैं खेल के तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है? तो अगर पापा आपने मेरी नाक कटवाई ना। नहीं मतलब उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत अच्छा खेलूंगा, बेफिक्र। आप ही व्यूअर्स देखें मतलब कि कैसे छक्के पड़ते हैं उनको, मतलब अभी चांसेस पे है, उम्मीद है कि चले देखा दिखाऊं। चलो मैं ड्रेस चेंज करके मैं आता हूँ, ये पकड़ो तुम जरा। फ्रेंड्स देखते हैं पापा छक्का मारते हैं, आउट होते हैं। बड़े तो कहते थे कि मैं सही करता हूँ, मैं बड़े छक्के छुक्के मारता हूँ, देखते हैं चले। हेलो हेलो। तो अक्सर लोग सिर्फ इसलिए आते थे कि नासिर के छक्के देखने हैं। हेलो पापा क्या है यार, सही तो करने थोड़ा सा। पापा ने तो मेरी नाक कटवा दिया पहली बॉल में। देखते हैं पापा दूसरे में छक्का मार सकते हैं? नहीं, अगर दूसरे में मार लिया तो बड़ी बात होगी। चलो देखते हैं। अरे हाय, हेलो, आउट हो गए पापा। देखो बस बेटा बड़ी देर बाद खेला इसलिए ऐसा होगा। अच्छा, एक छक्का मारने लगे उसमें भी आउट करवाया, वाह पापा। अब हम लेने जा रहे हैं ये दही, फिर से दही, हर रोज की तरह अपनी दही लेने जा रहे हैं, ठीक है जी। पापा ने दही ले ली। हाँ जी, ये हमने दही ले ली। और हाँ जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप दरवाजा खोलो। नानो नाना ने बुलाया है, हम उधर जाएंगे। रोज़ों में आई थिंक पहले तो हम बाहर जाके इफ्तारी कर रहे हैं। यस, सो फातिमा उधर काफ़ी मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे सारे बच्चों के साथ। और अभी हम जाएंगे, निकलेंगे। फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं नाना उस, तो चले चलते हैं, ये रास्ता है। देख रही है, बैल करते हैं दोबारा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? मैं ठीक। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ओह ये मुरझा गए, देखिए पूरे मुरझा गए। अच्छा कांदा शीबा। फ्रेंड्स हमारी आ चुकी है अफ्तारी, इस तलवा की सहरी, और ये देखिए यहाँ पे है पकोड़े, यहाँ पे है दही बड़े एज यूजुअल जो हर अफ्तारी में होते हैं, और वो है जी मैक्रोनिया, और ये है हमारी खजूर जिसमें है काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, इतनी सारी है कि मैं सारी टेस्ट करूंगी। और ये है मेरा टैंक, ये लो ये जी आराम के लिए अलग अलग से खाना। खाओ खाओ जल्दी खा लो। खजूर किधर है? खजूर दो मुझे पहले। अच्छा जी, खाना सबने खा लिया था, तो अब खाना अफ्तारी सबने कर ली थी, तो अफ्तारी करने के बाद नमाज वगैरह पढ़ने के बाद अब खाना खाने लगे हैं। ये है जी हलीम और ये मसाला कबाब है, ठीक है, साथ दही है और साथ है जी खमीरी रोटियाँ, ठीक है, और साथ टैंग भी है। फ्रेंड्स अभी मेरा खाना आ चुका है, मैं खा रही हूँ, सोई थी, उठी हूँ तो खाना हाजिर है। हाँ जी, ये देखें और ये देखें, ये हम तैयारी करने लगे हैं। किस चीज़ की तैयारी करने लगे हैं आपको थोड़ा ट्विस्ट पहले बताया था कि आपको बताएंगे क्या है, तो कल के व्लॉग में आपको पता चलेगा ये किस चीज़ की तैयारी है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल आवरिश नासिर को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखना है कि अगली वीडियो में ये क्या है, ये सस्पेंस क्या है, तो वीडियो को